नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषताएं इनके हाथों में। सबसे पहले बात करेंगे इनके हाथों में, देखिए तर्जनी उंगली के बारे में। ये जो तर्जनी उंगली है वो झुक रही है मध्यम उंगली की तरफ। उस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जितना मेहनत करता है ऐसे व्यक्ति को उतनी सफलता मिलने में दिक्कत आती है। ऐसे व्यक्ति एफर्ट ज़्यादा डालेंगे फल कम मिलेगा। 100% एफर्ट डालने पर 30-40% ही इन रिटर्न ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है। लेकिन अगर वही इनके साथ में काम करने वाले व्यक्तियों को इजीली सक्सेस मिल जाती है, इनको थोड़ा लेट में सफलता मिल जाती है। क्योंकि इनके हाथों में देखिए रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा जीवन में मेहनत करने की ज़रूरत होती है, मेहनती होते हैं, लेकिन वो मेहनत सफलता पाने के लिए, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी होती है, उसके लिए इनके हाथों में वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जिस वजह से ये ज़्यादा सोचेंगे कुर्ती कम होगी और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा लक साथ में नहीं देगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति ने थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पेट संबंधी विकार आगे चल के जीवन में होंगे, इस तरह से योग इनके हाथ के कलर के संबंध में हमें पता चल रहे हैं। उसके बाद में उंगलियां देखिए लंबी है, थोड़ी थिकनेस मीडियम है, इम्यूनिटी पावर ठीक ठाक ऐसे व्यक्ति की रहेगी। मध्यम उंगली देखिए थोड़ी अनामिका उंगली की तरफ झुक रही है, जिस कारण क्या होता है कि इनके हाथों में मध्यम उंगली अनामिका उंगली की तरफ झुकने की वजह से सीक्रेट तरीके से चीज़ें करने की ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि ज़्यादा चीज़ें वो सीक्रेट तरीके से करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि उनके हाथों में खड़ी रेखाएं ज़्यादा मौजूद हैं। खड़ी रेखाएं मतलब ऐसे व्यक्ति का नेचर बहुत ही साफ होता है और इनके हाथों से पता चल रहा है कि मित्र रेखाएं इनके हाथों में ज़्यादा है, ज़्यादा मित्र इनके हाथों हैं, जीवन में मौजूद है, दिल से साफ है, लोगों में इनके प्रति अच्छी सद्भावना होती है, लोग अच्छा इनको मानते हैं और इसी वजह से मित्र इनको अच्छा सपोर्ट करेंगे जीवन में। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए इनके हाथों में यहाँ पे सूर्य पर्वत पर यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, कट कट के बन रहा है ट्रायंगल बनना। यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल बन रहा तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में गवर्नमेंट जॉब लगने का योग होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में गुरु पर्वत पर देखिए इस जगह पे स्क्वायर का निशान बन रहा है गुरु पर्वत पर, और उसे उस इस तरह से गुरु पर्वत पर ये देखिए गुरु मेखला भी बन रही है। तो व्यक्ति आध्यात्मिक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, फिलोसॉफिकल रहेंगे, नॉलेज अच्छा रहेगा, जीवन में सीधे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होंगे। उल्टे सीधे अपॉर्चुनिटी आएगी वो मार्ग ऐसे व्यक्ति को सूझ वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खड़ी रेखाएं मौजूद है, गौरवशाली उनका जीवन रहेगा, अच्छे परिवार से ऐसे व्यक्ति आएंगे और खुद के ऊपर विश्वास है, ऐसे व्यक्ति सफलता पा लेंगे। लेकिन देखिए वो तर्जनी उंगली अंदर की तरफ झुकने की वजह से फल ना मिलने के कारण कभी कभी विश्वास खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि बहुत प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को जीवन में पानी हुई होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में ये है शनि पर्वत का स्थान, शनि कुंड के बारे में जान गए हैं। इस व्यक्ति को इस तरह से जो रेखाएं उनको मंगल पर्वत से जाती है उस कारण पैतृक संपत्ति मिलने का योग इनके हाथ में बनता है। केतु पर्वत से निकलने वाली सीधी ये जो रेखा है भाग्य रेखा सीधी केतु पर्वत से जा रही है, तो सपोर्ट परिवार से सपोर्ट मिले ना मिले जीवन में सफलता ऐसे व्यक्ति पा लेते हैं। एक ही भाग्य रेखा है, सीधी है, निर्दोष है, जीवन में अच्छी सफलता ऐसे व्यक्ति को दिलाएगी। उसके साथ ही देखिए शनि पर्वत पर इस तरह से ये खड़ी रेखा है, एक ही खड़ी रेखा व्यक्ति को जीवन में अच्छा धन दे पाती है। यहाँ पर 3-4 खड़ी रेखा है और एक बड़ी भाग्य रेखा, ये मेन भाग्य रेखा होती है, बाकी ये जो बनती है ये सपोर्टिंग भाग्य रेखा होती है। तो व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा, लक उसका अच्छा रहेगा, थिकनेस भी शनि पर्वत की अच्छी है, तो व्यक्ति जीवन में ढेर सारा धन कमाएगा,
और जैसी एज बढ़े उस तरह से व्यक्ति सफलता पा लेता है। उसके बाद में 40s में इस व्यक्ति को अच्छी सफलता है। यहाँ पर भी राहु रेखाएं बीच बीच में काटने वाली रेखाएं बना रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जीवन में जितना भी धन कमाता है उतना लॉसेस में इस व्यक्ति को चले जाता है। ऐसे इनके हाथ में योग बनते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाग्य रेखा इनका विशिष्ट रूप से भाग्योदय 50 साल के बाद होगा, लेकिन उससे पहले भी ऐसे व्यक्ति 40s में अच्छा धन कमा सकते हैं। उसके बाद में हृदय रेखा के बारे में जानते हैं। ये है हृदय रेखा, और हृदय रेखा से पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति इमोशनल प्रैक्टिकलिटी के बीच में होंगे, आदर्श प्रेमी ऐसे व्यक्ति रहेगी जीवन में, सच्चा प्यार मिलने में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आएगी, हाइपरटेंशन का ऐसे व्यक्ति को इश्यू रहेगा, ज़्यादा धोखे जीवन में मिलने की वजह से सख्त नेचर के हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। सूर्य पर्वत, देखिए सूर्य रेखा कट कट के ऊपर की तरफ जा रही है, एजुकेशन लाइन अच्छी है, तो देखिए जो उनकी सूर्य रेखा है कट के बन रही है, तो व्यक्ति अच्छा सम्मानित व्यक्ति हो पाएगा जीवन में, समाज में नाम प्रतिष्ठा इनकी हो जाएगी, लोग इनको जानेंगे, रिकग्निशन मिलेगा, फेम ऐसे व्यक्ति को मिलने का योग इनके हाथ में बन रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में ये है बुध पर्वत का स्थान, यहाँ पे खड़ी रेखाएं मौजूद है, हीलिंग पावर ऐसे व्यक्ति में देखी गई है। व्यक्ति जीवन में देखिए ढेर सारे उपलब्धियाँ इस वजह से पा लेते हैं, लोगों को काउंसलिंग करने की शक्ति इनके अंदर होती है, काउंसलिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से, एडवाइस दे सकते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझ सकते हैं, उसके ऊपर वो अच्छे ज्ञान दे सकते हैं। यहाँ पे आड़ी रेखाएं मौजूद है, तो प्रोफेशनल जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे ऐसे व्यक्ति इनके दुश्मन ज़्यादा रहेंगे, इनका बुराइयाँ चाहते हैं, और जहाँ से धन कमाते हैं उससे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ऐसे इनके हाथों से हमें पता चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनको देखिए छोटी उंगली अनामिका की फर्स्ट पहले तक नहीं जा रही, अगर ये बिजनेस करते बिजनेस माइंड बिजनेस मैनेजमेंट के लिए छोटी उंगली का बड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए मंगल पर्वत का स्थान बहुत ही अच्छा है, थोड़ा गुस्सेल नेचर है, लेकिन जीवन में रियल एस्टेट में ढेर सारा धन कमाएंगे। अगर ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट में ज़मीन लेके बेचने लगेंगे तो वहाँ पे ढेर सारा पैसा कमाएंगे, और जो भी इनकी महत्वाकांक्षा है वहाँ से पूरी कर पाएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड इनकी खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ऐसे व्यक्ति ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उतरना चाहिए, वहाँ पे कुछ कार्य करना चाहिए, और उससे व्यक्ति या फिर स्पोर्ट्स फील्ड रिलेटेड कुछ काम करना चाहिए, वहाँ अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। जीवन में हाथ में प्रथम संतान लड़की का योग दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा देखिए, भाग्य रेखा से खड़ी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, और आड़ी रेखाएं भी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम दिखा रही है। लगभग 35 साल की एज में व्यक्ति को घर बनाने का योग इनके हाथ में बनता नजर आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में जीवन रेखा का एक रेखा इस तरह से निकलना और जीवन रेखा फेंट होना, और यहाँ पे त्रिकोण का निशान बनना, बुढ़ापे में जीवन इनका बहुत सुखकारक जाएगा ऐसे इनके हाथ से पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए इनकी मणिबद्ध रेखा, पहली मणिबद्ध रेखा पे तिल का निशान बन रहा है, तिल का निशान पहली मणिबद्ध रेखा पे बनना दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति हेल्थ रिलेटेड मैटर से थोड़ा इन्होंने बच के रहना चाहिए। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा देखा कि यहाँ पे जुड़ रही है, देखिए यहाँ से मस्तिष्क रेखा निकल रही है, यहाँ से जीवन रेखा निकल रही है, दोनों रेखा एक जुड़े दूसरे से जुड़ रही है। इस कारण क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ उनका रिलेशन अच्छा होता है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी मनमुटाव होने के बावजूद भी
एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है, केयर करते हैं उनके लिए, ये ध्यान उनका रखता है और जीवन में उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे हाथ से इन्हें पता चलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा देखिए सीधी जा रही है मंगल पर्वत की तरफ। लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति, डीप थिंकर ऐसे व्यक्ति होते हैं, निर्णय क्षमता लेने की पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। बिजनेस चाहो नौकरी चाहो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस विशेष रूप से ये भाग्य रेखा इस तरह से रेखा बिजनेस में अच्छे व्यक्ति को अच्छा बनाएगी। उसके बाद में यहाँ इनके हाथ में देखिए धन की कोठरी अच्छी तरह से बन रही है इनके हाथ में। धन की कोठरी होना व्यक्ति को जीवन में ढेर सारा धन दिलाता है, धन का संचय हो जाता है और धन की संचय से व्यक्ति जीवन में जो भी लग्जरियस चीज़ें हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, रियल एस्टेट रिकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं और जीवन उन्नत बना सकते हैं। देखिए इनकी जीवन रेखा देखिए इस समय पर लगभग 55 साल के बाद हेल्थ रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम इनके जीवन में आएगा, ऐसे इनके हाथ से पता चल रहा है। उनके हाथ में राहु पर्वत, ये जो राहु पर्वत का स्थान है इतना अच्छा नहीं बन रहा, आड़ी रेखा है उसके ऊपर ज़्यादा बन रही है, उभार मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा दबा हुआ नहीं है। तो व्यक्ति शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं, अचानक धन लाभ का योग है, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। 80% लॉन्ग टर्म, 20% शॉर्ट टर्म में ऐसे व्यक्ति ने इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में विशेष रूप से ये है शुक्र पर्वत अच्छा इनका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। देखिए इनके शुक्र पर्वत से पता चल रहा है कि व्यक्ति जीवन में लग्जरियस लाइफ जिएंगे, ऐसे व्यक्ति गाड़ी बंगला मकान इन सुख सुविधाओं से व्यक्ति अच्छी तरह से उनको जीवन में मिलेगी। व्यक्ति फैशन सेंस उनका ठीक ठाक रहेगा, मतलब बुरा बहुत बुरा नहीं, बहुत एकदम हाई फाई भी नहीं, इस तरह से ऐसे व्यक्ति रहते हैं। रहन सहन ठीक ठाक रहेगा, लोगों को अट्रैक्ट करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति में होती है और एनर्जी से ऐसे व्यक्ति भरे हुए रहेंगे। मोक्ष प्राप्ति ऐसे व्यक्ति की होगी, जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ेगी इनकी लाइफ में। चंद्र पर्वत से देखिए विचार ऐसे व्यक्ति के ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा विचार कर सकते हैं क्योंकि क्रॉस का निशान वहाँ पे बन रहा है। कभी कभी सुसाइडल थॉट्स या फिर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वरना चंद्र पर्वत अच्छा है, नेचर लवर है। विदेश में ऐसे व्यक्ति की ट्रैवल रहेंगी और विदेश से भाग्योदय भी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।